अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को पांचवी सहरी रमजान मुबारक की मुबारक हो। अच्छा देखो ये नमाज के लिए रेडी हो चुके ऑलरेडी, 4 बज रहे, सहरी करके जाएंगे नमाज पढ़ने। मैं कुछ नहीं खाने वाली हूँ, मेरे को एसिडिटी हो जा रही है इसके लिए मैं, और वो मसाले का है ना सब, इसके लिए मैं नहीं खाने वाली कुछ भी। मैं बस पीऊँगी थोड़ी सी चाय, और चाय भी इतनी ज़्यादा बन रही ना, वेस्ट हो जा रही है, इसके लिए आज मैं थोड़ी सी चाय बनाने वाली। तो चलिए, 2-3 वाले खा ली, मैंने दिल मान रहा नहीं था, 2-4 बाइट बस खा ली। अभी चाय बन चुकी है। नींद आई क्या तुमको? नींद बहुत आएगी, नमाज पढ़ के सोना है मुझे थोड़ा। अच्छा ठीक, पानी चाहिए क्या? एक मिनट रुको मैं दे। हमारे वारिस एक भी कप नहीं रखता इसके लिए, गिलास में चाय पीते हैं, एक भी कप नहीं रखता है, ऊपर से नीचे गिरा देता किचन पे से। एक दो बार उसको लगी थी इसके लिए, मैं अभी थोड़ा वो बड़ा होने तक नहीं लेके आऊँ कांच के कप, तब तक इसमें काम चलाना पड़ेगा। चाय बहुत भारी बनी हुई। मेरी चाय पी के हो गई, वारिस को बहुत खांसी आ रही है, मैं सोच रही नमक चटाऊ, थोड़ा सा दवाई पिलाई मैंने लेकिन फिर भी कम नहीं हो रही है। मैं सोच रही कि इसको बहुत खांसी आ रही है, मैं इसको ना नमक चटाती हूँ, क्या मालूम खाएंगा कि नहीं, नींद में है लेकिन फिर भी कोशिश करती खिलाने की इसको। एक चुटकी नमक खिला बोलते ना, उससे खांसी कम होती। इसके लिए जब तक घरेलू उपाय कुछ करना है, सुबह में हॉस्पिटल जाएंगे, दवाई है पी रहा हूँ लेकिन उससे कुछ असर नहीं हो रहा है इसके लिए। गाइस देखो मैं आ गई हॉस्पिटल से, आज डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था हमारे, तो बुलाया था, इतना नंबर था उसके पास, बाप रे बाप। तो फिर मैं आई, आते के साथ में नमाज पढ़ी, पहले बहुत देर हो गई थी जोहर की अजान होके, तो फिर आने के बाद में नमाज पढ़ी और फिर पूरा काम करके ली घर का, सब किचन विचन साफ करके सब ली, मशीन लगाई और घर में पोछा वोछा लगा के सारा काम हो गया मेरा। और इफ्तारी की तैयारी करना ही पड़ती है ना, तो आज हम दोनों ही रोज़ा है, सोनू ने मोनू ने दोनों ने भी रोज़ा नहीं रखे। मोनू तो रख रही नहीं है, मोनू पहले ही ऐसी है एकदम कड़की, बस ज़्यादा हो जाएंगी इसके लिए मैंने ये कर। और क्या बोल रही थी मैं, हाँ मैं बोल रही थी कि मुझे किसी ने मैसेज किया था कि आपकी बहन है क्या, तो मेरी बहन ही है। मुझे देखो अपने सबके घर के पर्सनल नाम अलग रहते हैं ना, तो मुझे ओरिजिनल नाम नहीं पता था। हाँ वो मेरी बहन ही है। और अभी आप लोग मतलब मुझे कमेंट आया था कि हाँ आपकी बहन है क्या, तो मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था कि ये लोग भी मेरे वीडियो देखते रहेंगे करके, इसके लिए मैंने नहीं बोली कि कोई और होएगा बोल के। और अर्शिया नाम ना मतलब इतना ज़्यादा ये नहीं है, कुछ तो पेट नेम होएगा, पेट नेम निक नेम बोलते ना छोटा, जैसा अभी मेरा नाम गुलफशा है तो मुझे गुल्लो बोलते, तो ऐसा कुछ नाम रहेगा तो हम वही बुलाते हैं, वो मेरी बहन ही है। सॉरी कि तो मैंने नहीं बोली थी ना मेरी बहन नहीं है इसके लिए, तो आप गलत मत सोचो। और तो फिर मैंने रिप्लाई दी थी नहीं करके, मुझे लगा कि कोई होएगा बल्कि, तो हमारे यहाँ पे ना ये नाम किसी का भी नहीं है मेरी नज़र में, होगा लेकिन मुझे नहीं पता है इसके लिए। और जो मेरी बहन है उसका नाम वही है, मैं नाम नहीं ले रही वीडियो में, तो मेरी बहन ही है वो। सॉरी हाँ क्या, अगर आपको लगेगा कि हाँ
देखो हमको बहन बोलने से इनकार कर रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो गाइस देखो क्या कर रही हूँ मैं आज, मुझे बहुत सारा काम है। आज मैं बनाने वाली हूँ बटरफ्लाई चिकन, मैंने वीडियो देखी थी इसके लिए मैं बोली चलो ट्राई करते हैं अपन भी। तो देखो मेरी लैंग्वेज पे मत जाओ, देखो हिंदी मातृभाषा, एम सी स्टैन पी टाउन बेबी कैसा, तो ऐसा ही साम है। चलो कोई नहीं है, घर में एकदम शांत है एकदम। देखो तो गाइस चलिए रेसिपी रेसिपी बनाने का है। 5 बज रहे, जितना जल्दी हम कोई भी जो फ्राई आइटम रहता है ना उसको मैरिनेट करेंगे ना उतना ज़्यादा टेस्टी बनता है। इसके लिए मैं सोची कि मैं देखो 5 बज रहे हैं ना, तो अभी से ही मैं ये कर लेती हूँ। चलो बनाते हैं हम बटरफ्लाई चिकन और मुंबई स्टाइल में कीमा, ग्रीन वाला कीमा जो रहता है ना, तो वो वाला। चलो तो चलते हैं रेसिपी में, आगे बढ़ते हैं। मेरी मशीन भी लगी है इधर, और ये भी करूँगी वो भी करूँगी तो हो जाएगा मेरा। ये कपड़े में मशीन में पानी जमा हो रहा है निचोड़ने के लिए, ये भी काम होएगा। और मैंने इधर ली हूँ ये आधा किलो कीमा और ये आधा किलो बोनलेस चिकन। अभी मैंने इनको धोया नहीं है, इसको फ्रिज में से निकाल के पिघलने के लिए रखी थी ऐसी। तो चलो मैं इनको करती हूँ वॉश। तो चिकन को जैसे हम लोग वॉश करेंगे ना, तो उसमें हमें क्या डालना है पता है, 2 ढक्कन विनेगर, 2 ढक्कन या फिर 2 चम्मच। ये विनेगर से ना अपना जो चिकन की जो गंदी स्मेल होती है ना वो सारी ख़त्म हो जाती है, और ये अच्छे से जब हम इसे बनाएंगे तो ये बहुत अच्छे से पक जाता है अंदर तक और बहुत अच्छा लगता है। इसमें 2 चम्मच मैंने विनेगर डाली और ये लगा के रख देने का इसको मैरिनेट होने के लिए, मैरिनेट नहीं इसको अच्छे से क्लीन होने के लिए रख देने का। इसको अच्छे से मिक्स करके इसको 15 मिनट के लिए इसे छोड़ने का ना, तो ये फिर इसकी सारी गंदगी छोड़ देंगे। विनेगर बहुत फ़ायदेमंद है चिकन धोने के लिए ना, मैं वही यूज़ करती हूँ। तो मैं बोली चलो आपको बता देते हैं। तो इसको मैंने अच्छे से लगा के रख दी 15 मिनट तक। तो देखिए गाइस 15 मिनट हो चुके हैं, तो देखते इसका सब ये हो गया क्या, ऐसा ना सारा इसकी गंदगी निकल जाती है विनेगर लगाएंगे तो। देखो पूरा इससे एकदम साफ हो जाता है। अभी इसको वापस से हमें अच्छे से वॉश करना है, तो फिर ये पूरी तरह से फ्रेश हो जाएगा। तो मैं इसे करती हूँ वॉश। तो देखो मैंने इसे अच्छे से कर ली हूँ वॉश, अभी इसमें की सारी गंदगी निकल चुकी है, गंदी स्मेल भी निकल चुकी है। अब मैं इसमें वापस से मिक्स करूँगी 1 चम्मच विनेगर। फिर मैं इसमें ऐड करूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट और ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये सारे गरम मसाले। इसमें धनिया है, सौंफ है और काली मिरी है, पूरा सारा जो गरम मसाला है वो है, सारी चीज़ें इसके अंदर है। और ये है लाल मिर्च पाउडर, ये है कश्मीरी पाउडर और ये लाल मिर्च पाउडर और ये है नमक। अब ये सारी चीज़ों को इसमें मैं डाल दूँगी। अभी मैं इसमें ऐड करूँगी ऑरेगानो, ये देखो 1/2 चम्मच, 1 चम्मच से थोड़ा कम है ये ऑरेगानो, मैं इसमें ऐड करूँगी। अभी मैं इसमें ऐड करूँगी ये 1 बाटी दही। आपको दही जो पानी जो सिर्फ अक्खा अक्खा लेना है, देखो इसमें देख कैसा इतना पानी है, इतना नहीं है मेरे पास ऐसा था इसके लिए मैं ऐसा ले रही हूँ, तो ये मैं इसमें ऐड करूँगी। अब हम करेंगे इसे अच्छे से मिक्स अपने हाथों की मदद से। आप चाहे तो इसमें फूड कलर यूज़ कर सकते हैं, मैं फूड कलर नहीं यूज़ कर रही हूँ, मैंने जो कश्मीरी लाल मिर्च ली है उससे ही उसका कलर अच्छा आएगा फ्राई करते टाइम। तो देखो ये मसाला अच्छे से लग चुका है ना, ये सारा मसाला अच्छे से लगा है। अभी हम इसे मैरिनेट होने के लिए 1/2 घंटे, देखो अभी बज रहे हैं 5:30, तो मैं इसको ना 6:15 तक रखूँगी, मतलब 1/4 घंटा रखूँगी, क्योंकि आज मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है। इसको इसमें आटा हमें अभी नहीं मिक्स करना है, इसको ना जब हम फ्राई करेंगे ना तब इसमें तुरंत आटा मिक्स करके फटाफट मिक्स कर लेने का। और हाँ आज मैंने इसमें अंडा यूज़ नहीं किया, आप अंडा भी यूज़ कर सकते, मैंने आज स्किप कर दी हूँ। फिर तो हमेशा मैं एक डाल के फ्राई कर रही थी ना,
इसके लिए आज मैंने बिगर एग का ही यूज़ किया। आप एक डाल सकते हो कि तो एक से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो अभी मैं इसे मैरिनेट होने के लिए छोड़ती हूँ। तो गाइस देखो मेरा चिकन मैरिनेट हो चुका है और अब मुझे बनाना है कीमा। लेकिन कीमा मेरा अभी पिघला ही नहीं है, मतलब मैंने उसे जो फ्रिज में रखी थी ना तो वो एकदम अभी ये नहीं हुआ है। उसके लिए मुझे टाइम लगेगा, तब तक मैं घर का जो काम है वो करके लेती हूँ या फिर मैं कीमा बनाने के लिए जो सामान लगता है वो रेडी करती हूँ। तो मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी टाइम बाद। तो गाइस देखो मैं सोच रही हूँ कि मैं ग्रीन चिकन बना लूँ, ग्रीन कीमा। और रेड वाला मैं हमेशा बनाती हूँ, मैं मुंबई स्टाइल में बनाने वाली हूँ आज। तो मैं सारे हरे मसाले लेने वाली हूँ, सब कच्चा मसाला समझ लो, जैसा कोथमीर, पुदीना, हरी मिर्च, अदरक लहसुन, और इन सबको पीस के डायरेक्ट ग्रीन मसाला ही कीमे में मिक्स करने का है। तो चलो मैं मसाला रेडी करके आपको बताती हूँ। तो गाइस देखिए मेरा सारा मसाला कट करके हो चुका है, लेकिन मेरा कीमा जो है अभी भी मेल्ट नहीं हुआ है। इसका जो बर्फ है वो पिघल ही नहीं रही है, कितना पानी डाल रही हूँ तो भी। और कपड़े धो के हो चुके, सामान तो मैंने रेडी कर ली, लेकिन कीमा रेडी नहीं है, तो मैं बताऊंगी आपको बाद में। चलिए बाय बाय। देखो मेरा कीमा, मैं बोली ना कब से आपको, ये मेल्ट ही नहीं हो रहा है फटाफट। इतना हो चुका, इतना नहीं हुआ है, इतना बाकी है। तो फिर कैसा, 5 मिनट लगेंगे इसको, और इसके लिए जल्दी जल्दी तैयारी करनी, नहीं तो अगर ऐसा किस्सा रहेगा ना तो फिर ना इफ्तार में बहुत ज़्यादा टाइम होता है ना। तो कीमा मेल्ट होने तक रुकिए। देखो मेरा कीमा अच्छे से पिघल चुका है, मैंने इसको अच्छे से वॉश करके अभी मैं इसे रखती हूँ निथरने, और इसका पानी अच्छे से निकाल लेंगे हम छन्नी के मदद से ही ऐसा। तो इसको रखती हूँ मैं इधर पे, और अभी हम मसाला रेडी करते हैं ग्रीन की। अभी देखो हमें मसाला रेडी करना है, तो मैंने ली हूँ मिक्सर का जार, उसमें मैं डालूँगी ये 2 प्याज और 3 टमाटर है, ये अच्छे से कट करके ली मैंने, ये डाल दिए। आपको डालना है 4 से 5 हरी मिर्च, और ये पुदीना और धनिया दोनों मिक्स है इसके अंदर, मैंने इसको अच्छे से वॉश करके लिया, ये इसमें ऐड करेंगे। अभी हमें 15-20 काली मिर्च डालना है इसके अंदर। कभी भी हरा कीमा बनाएंगे ना तो सिर्फ काली मिर्च ही यूज़ करने का, गरम मसाला बिल्कुल यूज़ नहीं करने का, जिससे कि फ्लेवर बहुत अच्छा आता है सिर्फ काली मिर्च यूज़ करने से। हाँ गरम मसाला यूज़ करेंगे तो नहीं आएगा। तो ये देखो मैंने 20 काली मिर्च ली हूँ। फिर हम डालेंगे इसमें एक नींबू, नहीं डालना है, मजाक कर रही थी, नहीं तो सच में डालेंगे। तो सिर्फ इतना ही मसाला है। अब हमें इसमें ऐड करना है अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच, ये एक और ये आधा, आधे से थोड़ा ज़्यादा। तो गाइस चलिए अपना ही मसाला रेडी हो चुका है, अब हम इसे करते हैं अच्छे से फाइन पेस्ट बना के लेते हैं। सो ग्राइंड करके लेती हूँ मैं एक ही मिनट में आता। तो देखिए गाइस मैंने इसे अच्छे से पेस्ट बना कर ले कर रहे हैं, देखो ऐसा ग्रीन ग्रीन ही रहना चाहिए ये। तो चलिए इसे मैं रखती हूँ अभी साइड में, इसे साइड में रखती हूँ। और अब हम इसमें लेंगे ये खड़े गर्म मसाले में बोली ना पहले, मैं भूल गई शायद। देखो हाँ सिर्फ धनिया, शाजीरा और तेज़पत्ता ही लेने का, इतना सिंपल है ना पूछो मत, और मुंबई स्टाइल में बन जाएगा देख लेना, मैं अभी बताती हूँ। तो देखिए गाइस मैंने चढ़ाई हूँ कढ़ाई, खांसी क्यों आ रही क्या मालूम। देखो मेरी कढ़ाई हो गई अच्छे से गर्म, अब मैं इसमें ऐड करूंगी तेल। ये देखो ये ऑयल मैंने ना थोड़ा कम ही ली हूँ, ज़्यादा ऑयल नहीं खाती हूँ, कम ऑयल ला लो। देखिए गाइस मेरा ये जो है ना तेल वो गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें ऐड करूँगी खड़े गरम मसाले। इतना ज़्यादा लाल नहीं होने देने का, थोड़ा सा ऐसा चटकने की आवाज़ आएंगी तभी अब हमें गैस को स्लो कर लेने का है। फिर अब इसमें हम ऐड करेंगे ये जो पेस्ट बनाया ना, ये
देखो अभी हम इसे अच्छे से करेंगे मिक्स। अच्छे से फ्राई होने देने का उसको। इसमें मैं थोड़ी सी हल्दी ऐड करती हूँ, थोड़ी सी एकदम एक चुटकी बस। इससे ना थोड़ी सी हल्दी डालेंगे तो थोड़ा कलर का कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा, येलो और ग्रीन समझ लो। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। देखो इसका ना अभी कच्चापन पूरा फ्राई नहीं हुआ है अभी, वैसे बाकी है। इसको अच्छे से फ्राई होने देना है ना, इसको हाई फ्लेम पे अच्छे से थोड़ा भूनने देने का। खुशबू ऐसी मस्त आ रही ना, आप ऐसा ट्राई कीजिए, एकदम इजी है ना। देखो मैं बोली थी ना, मैं इजी ट्रिक बताऊंगी अच्छे अच्छे खाने की, अच्छे अच्छे रेसिपी की। तो प्लीज़ देखो ये ट्राई करो घर में, ऐसा वाला कीमा, रेड वाला तो हमेशा खाते ही हम लोग। खांसी क्यों आ रही क्या पता है, बहुत ज़्यादा ऑयली खाने में आ रहा है ना इसके लिए। इसको अच्छे से चम्मच को चलाते रहना है ताकि अपना मसाला ना अच्छा अंदर तक फ्राई हो। और अगर चम्मच नहीं चलाएंगे ना तो ये चिपक सकता है। तो देखिए मसाला तुम जितना भुनेंगे ना उतना टेस्टी बनेगा, कीमा हो कोई भी ग्रेवी हो, जितना मसाला भुनेंगे ना उतना टेस्टी बनता है। देखिए मेरा जो ये मसाला है ना अच्छे से भून चुका है, अब मैं इसमें ऐड करूँगी जो मैंने कीमा वॉश करके रखी थी, उसका पानी भी अच्छे से निथर चुका है। अभी मैं इसमें ऐड करती हूँ कीमा। चाहे तो आप इसे ना एक दो सीटी देख के भी कीमे को सीटी दे सकते, एक दो कुकर में, प्रेशर कुकर में, और बना सकते। लेकिन मैं कच्चा ही बना रही हूँ क्योंकि अच्छा फ्लेवर आएगा इसके लिए, साथ में बन जाएंगे। और टाइम है ना मेरे पास में कि अभी 5:30 बज रहे हैं, इफ्तार तक ये अच्छे से बन सकता है स्लो गैस पे इसके लिए। देखो मैंने एक कीमा इसमें ऐड कर ली, अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। हाँ, क्या बेहतरीन खुशबू आ रही है, वाह एक नंबर। ऐसा हरा कीमा आप खाओ मुंबई स्टाइल में। और बहुत सारे इसमें मसाले होते हैं, मैंने कुछ भी ऐड नहीं करी क्योंकि मुझे इजी बताना था ना आपको। देखो अच्छे से मिक्स हुआ ना, अभी हम इसमें ऐड करेंगे सबसे मेन और सबसे ज़रूरी चीज़। क्या है भाई सबसे ज़रूरी चीज़ है? नमक। नमक हम इसमें हसबे ज़रूरत, एकदम प्योर उर्दू, हसबे ज़रूरत हम इसमें नमक ऐड करेंगे। और ना अभी हम इसमें बिल्कुल पानी ऐड नहीं करेंगे जब तक इसका जो पानी है जो कीमे का वो सूख नहीं जाता तब तक, बिल्कुल पानी ऐड नहीं करने। और मैं इसे अभी इसका पानी सूखने तक इसको ढक्कन झाँक के ताकि गल भी जाएगा साथ साथ और इसका पानी भी ड्राई हो जाएगा, तब तक मैं इसे पकने के लिए छोड़ देती हूँ। चलो देखते हैं मसाला बना के नहीं दे, तो इसका पानी अभी सूखा नहीं है, तो पानी सूखने तक ना इसका ये गल जाएगा ना अच्छे से, इसलिए हमें इसका पानी सूखा नहीं है। ढक्कन ढाक के अच्छे से प्लेट को कवर करके ये करेंगे ना। कलर देखो ना कितना प्यारा लग रहा है और खुशबू तो लाजवाब लग रही है, एकदम बेहतरीन कीमा बनता है ऐसा। आप ट्राई कीजिए और फिर मुझे बोलिए कि सही बताए थे कल। तो गाइस देखते हैं हमारा कीमा पका है कि नहीं। देखो इसका सारा पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है, अभी ये नीचे चिपकने वाला था अच्छा वो मैंने देखी तो।
इसको ये अच्छी तरह से गल भी चुका है। मैंने इसको तकरीबन आधा घंटा ऐसे ही कवर करके छोड़ दी थी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ये पानी जो मैंने मिक्सर का जार धो के रखी थी, वैसे ही मैंने पहले ऐड नहीं किया, अब मैं ऐड करती हूँ। इसको सिर्फ 5 मिनट पकाना है और इसे बंद कर देना है। यह हमारा कीमा अच्छे से बन चुका है, बहुत ही ज़्यादा यम खुशबू आ रही है, इतनी खुशबू बेहतरीन है ना इसकी, मैं क्या बताऊँ, पूरा घर में महक रही है इसकी खुशबू। देखो मेरा कीमा बन चुका है, अब मैं गैस बंद कर देती हूँ। मैंने गैस बंद कर ली हूँ, इसे एक बार अच्छे से मिक्स करती हूँ। अभी मैं ना इसमें लास्ट में एकदम थोड़ा सा हरा धनिया कट करके डालूंगी। अगर ये ऑन रहेगा गैस और इसको ये करेंगे ना, तो ये ना ये हो जाएगा, एकदम काला पड़ जाता ना धनिया ऐसा ऐसा, अगर बाद में मिक्स करेंगे ना तो ये हरा हरा ही रहेगा। इसके लिए मैं लास्ट में ऐड करती हूँ, मुझे ऐसा अच्छा लगता है इसके लिए। तो देखो हमारा गर्मा गर्म कीमा अफ्तार के लिए रेडी है, तो आप भी ट्राई कीजिए। तो देखो बटरफ्लाई चिकन के लिए मैंने ये दो ली हूँ आलू, अभी मैं इसे अच्छे से करती हूँ वॉश। देखो मैंने इनको अच्छे से वॉश कर ली हूँ। तो अब मैंने करती हूँ कट। तो देखो मेरे हो गए हैं पोटैटो चॉप्स। मैंने थोड़ा सा इसका ये थोड़ा ना मोटा मोटा ही कट करी हूँ, ताकि चिकन के साथ में ये अच्छे से फ्राई हो चुके हो जाए मतलब। तो देखिए अभी हमें इसको ना सॉफ्ट रखने के लिए, अगर हम इसे फोल्ड करेंगे तो ये फोल्ड नहीं हो रहा है ना, तो अभी हम इसमें क्या करेंगे बताए, रुको मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ। तो देखिए जो ये विनेगर है ना, इसमें ना 2 चम्मच डालने का, इसको 15 मिनट के लिए ना इसे ही डाल के छोड़ देने का, तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे, समझे। सॉफ्ट होएंगे ना तो फिर ये फोल्ड करते टाइम में टूटेंगे नहीं, जब हम ऐसे चिकन रखेंगे और ऐसे फोल्ड करेंगे ना ऐसा, ये देखो ऐसा, तो ये फोल्ड होते टाइम टूटेंगे नहीं। इसको ना ऐसे अच्छे से विनेगर लगा के इसको रखना है हमें, समझे। तो इसको मैं छोड़ती हूँ 10 मिनट तक, 10 या 15 मिनट तक, फिर आपसे मिलती हूँ। तो गाइस देखो जब तक हम इसमें ये अच्छे से सॉफ्ट नहीं होते, तब तक हम इसको रखते हैं एक साइड में। अभी हम देखेंगे कि जो हमने चिकन मैरिनेट होने के लिए रखा था वो कैसा दिख रहा है। तो देखिए गाइस मेरे चिकन में अच्छे से मैरिनेट हो चुका है, एकदम परफेक्ट, और कलर भी बहुत बेहतरीन लग रहा है। देखो अभी ये जो पानी छूटा है ना, तो हमें क्या करना है पता है, इसमें ना पहले ही नहीं डालने का अरारोट का आटा वगैरह सब, इसे हमें जब फ्राई करना है उसमें तुरंत इसको मिक्स कर लेने का। तो मैंने ली हूँ ये कॉर्नफ्लोर, अभी मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी बस इसमें, ज़्यादा नहीं, क्योंकि तो पानी ज़्यादा नहीं है ना वो, देखो ऐसा इस तरीके से। थोड़ा सा और डालती हूँ, देखिए मैंने इसमें थोड़ा भी फूड कलर ऐड नहीं की, सिर्फ ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर की वजह से इतना रेड लग रहा है। और आप चाहे तो डाल सकते, मैंने नहीं डाली इसके लिए, मैं बता रही हूँ बार बार आपसे। और देखो मेरी आवाज़ कितनी अंदर हो गई ना, लो हो गई है, बहुत ज़्यादा रोज़ा लग गया मुझे। तो चलो कोई ना, अभी और आधा एक घंटा बाकी है, आधा घंटा। तो गाइस देखो मेरा कीमा रेडी हो गया, मैंने वो मसाला भी मैरिनेट करने रखी थी वो भी अच्छे से मैरिनेट हो चुका है, और मैंने वो जो जो आलू थे उसको चॉप करके रखी थी, चिप्स बनाए थे इसके, वो भी अच्छे से हो गया है। अभी मैं वेट कर रही थी इस चीज़ का, ये मेरे पास में ज़्यादा नहीं थे, थोड़े से ही थे। तो ये है टूथ स्टिक, इससे ही हम बटरफ्लाई चिकन बनाएंगे, ये देखो। तो गाइस देखो विनेगर में लगाने से ना ये थोड़े सॉफ्ट हो गए, बीच में से टूटेंगे नहीं ये वाले जो आलू के जो चिप्स है ना, ये इसको विनेगर में लगाएंगे। अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आप इसको नींबू भी लगा के रख सकते, समझे। ये देखो
तो अभी मैं इसके आगे बढ़ती हूँ। देखो मैंने क्या करी हूँ, ये आलू ली हूँ। अब ये जो पीस है, ये वाला पीस, इसको इसके बीच में ऐसे लगाएंगे, ऐसे दिख रहा है। और ऐसा लगा के ना ये टूथपिक है ना, उसके अंदर अच्छे से टोल दे। बहुत ज्यादा आ गया, नहीं ऐसा बड़ा। ये देखो, इस तरीके से हम लगाएंगे। ये देखो ऐसा फोल्ड करे। ये इसके अंदर मैं डालूंगी ये चिकन का, बहुत ज्यादा बड़ा है, छोटा लूंगी, छोटा वाला। ये देखो इस तरीके से इसके अंदर डाल के ऐसा। मैं भी ये फर्स्ट टाइम ही ट्राई कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने हमेशा बनाई हूँ, फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। कि तो ये ट्रेंड चल रहा है बहुत ज्यादा, तो मैं सोची चलो बना लेते हैं। देखो ये देखो ऐसे लगाने का इसको। गाइस देखो, आधा किलो बोनलेस चिकन जो मैंने ली थी ना, उसमें इतने पीस बचे हैं और मैंने इतने बनाई हूँ। ये मैं सिर्फ फ्राई करूँगी और इसको बटरफ्लाई करूँ, बटरफ्लाई फ्राई करूँ। देखो इतने सारे बने हैं। कुछ कुछ मेरे जो जो पोटैटो थे ना, वो बराबर से ये नहीं हुए थे ना, इसके लिए थोड़ा सा ये हो रहे। लेकिन मैंने बनाई ना, ट्राई तो करी फर्स्ट टाइम में, सेकंड टाइम में थोड़ा अच्छा आएगा। तो चलिए गाइस, अभी मैं करती हूँ इसे फ्राई। तो देखो मैंने तेल ली हूँ गरम करने के लिए, रखी हूँ। अभी मैंने ये जो कल जो मैंने पकोड़े फ्राई की थी ना, ये वही ऑयल है, तो उसे वेस्ट क्यों करना करके मैं इसे यूज कर रही हूँ। चलो गाइस देख, तो गाइस फटाफट इफ्तारी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमने चाय पिए और चाय पी के हम लोग गए हॉस्पिटल, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था इसलिए। रमजान में बहुत मजा आता है। रुको मैं बताती हूँ। देखो ये नींद में से उठ के फिरनी खा रही है, इसको फिरनी बहुत पसंद है। हाँ अच्छी है क्या? जोगेश्वरी जमजम स्वीट से लिया हूँ। तो माल पवा भी पसंद है ना तेरे को? खोल इसको, देखो ये माल पवा, इसके ऊपर वो सोनू रबड़ी दाल, बहुत मजा आती खाने में।
गरम गरम है एकदम गरम रहता हो। सिल्वर कॉइल में देता ना डाल उस पे डाल। पीस करा हुआ है क्या वो? उसको बोला था मैंने बस 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 इतनी अरे ज्यादा रहेंगे तो अच्छे लगते। अरे बस है वो बहुत है वो। ये इसमें काजू कतरी लाया था मुझे बहुत पसंद है। स्वीट में सबसे ज्यादा पसंद मुझे काजू कतरी है। काजू कतरी रुक रे वारिस अभी खाया ना तूने रहने बाद में खा पहले वो किडनी का। किडनी का देखो ये खा रही है भैंस हमारी गाप। अच्छा है फिर माल पवा बहुत गर्मा गर्म है बहुत मस्त है। नींद में से उठ के खा रही हूँ। नमाज मैं दवा खाने में गई दवा खाने से आई और फिर सो गई। फिर ये अभी आए 12:30 बजे बोले ले माल पवा मैं बोली थी ना लाओ ले क्या सुनो बहुत यम लग रहा है। चलिए आज के व्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।